Hello students, how are you? I hope you all will be great today. I am Anupam Dubey from Government Middle School Tanda, Block Dharsiwa, District Raipur, Teacher LB. और आज मैं आपको आपका लेसन 31 कुछ प्रीपोजिशन है बिफोर बिटवीन एंड बिहाइंड जिसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगी. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है. तो ये जो हमारा लेसन 31 है बिफोर बिटवीन एंड बिहाइंड, आप सभी को पता है क्योंकि पहले भी हमने ये प्रीपोजिशंस पढ़े हुए हैं. इन प्रीपोजिशन के बारे में एक छोटा सा मैं आपको परिचय दे देती हूँ, इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ, है ना. फ्रॉम दिस लेसन स्टूडेंट विल लर्न अबाउट प्रीपोजिशन, है ना. तो इस लेसन में जो बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे, प्रीपोजिशन सीखेंगे. और वो प्रीपोजिशन क्या है, कौन से प्रीपोजिशन सीखेंगे आप लोग, वो है बिफोर बिटवीन एंड बिहाइंड. आगे के वीडियो में, आगे के स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी इनके मतलब भी और इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, कहाँ आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे. तो चलिए इमेजेस के माध्यम से हम ये प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन कौन सी इमेजेस हैं, क्या दिख रहा है आपको. एक है डॉग, उसके बाद है एक गोट, उसके बाद है कैट. ये तीन इमेजेस आपको भी दिख रही होंगी, है ना. और इन तीन इमेजेस में आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है. वो क्वेश्चन क्या है, विच एनिमल इज बिफोर द गोट, कौन सा जानवर गोट के पहले है, है ना. कौन सा जानवर गोट के पहले है, तो देखिए वहां पर एक एरो भी बना हुआ है नीले कलर से. गोट के पहले कौन सा एनिमल है, वेरी गुड, आपने भी बहुत सही पहचाना. वो क्या है, वो है कैट. द कैट इज बिफोर द गोट, है ना, कि वो बिल्ली जो है वो हमारी बकरी से पहले है. ठीक है, चलो तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि ये बिफोर का मतलब से पहले होता है. आगे देखते हैं, चलिए आगे क्या है हमारे पास. आगे फिर से यहाँ पर देखिए तीन इमेजेस हैं, क्या क्या दिख रहा है आपको. एक डक है, उसके बाद एक हेन है, उसके बाद एक पैरट है. ठीक है, तो यहाँ पर भी एक सवाल है आपके लिए, एक प्रश्न है आपके लिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए. वो क्या है, विच एनिमल इज बिटवीन द डक एंड द पैरट, कौन सा जानवर डक और पैरट के बीच में है. जैसे कि इमेज में भी आपको पता है ना, आप तो देख ही रहे हैं डक कहाँ पर है, पैरट कहाँ पर है, और जो बीच में जो है वो कौन है. ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे. और मैंने एक एरो भी बनाया है ब्लू कलर से नीले कलर से, वो भी आपको ये संदेश दे रहा है, आपको ये संकेत दे रहा है कि ये एनिमल जो है वो इन दोनों के बीच में, बिटवीन. बिटवीन का मतलब होता है बीच में. ठीक है, द हेन इज बिटवीन द डक एंड द पैरट, कि वो जो मुर्गी है वो डक और पैरट के बीच में है. चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए. ठीक है, फिर से आपके सामने तीन इमेजेस हैं, वो क्या क्या हैं. यहाँ पर एक डोंकी है, एक हॉर्स है, एक काऊ है. ठीक है, तीन इमेजेस लाइन से हैं आपके पास. और यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, विच एनिमल इज बिहाइंड द काउ. जैसे कि यहाँ पर भी एक एरो लगा हुआ है ब्लू कलर से, कौन सा जानवर गाय के पीछे है, है ना. फिर से एक बार मैं प्रश्न दोहरा रही हूँ, विच एनिमल इज बिहाइंड द काउ, बिहाइंड के पीछे, यानी कि काउ के पीछे कौन सा जानवर है. तो जैसे कि आप इमेज देख के आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है बच्चों, ठीक है ना. तो आप वैसे यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर हॉर्स जो है वो काऊ के पीछे है. तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन हमने यूज़ किया है वो है बिहाइंड. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, द हॉर्स इज बिहाइंड द काऊ, कि वो जो घोड़ा है वो गाय के पीछे है. तो ये तीनों प्रीपोजिशंस को हमने देखा, बिफोर बिटवीन और बिहाइंड. चलिए देखते हैं आगे आपके पास क्या है. आगे हमारे पास है कुछ एक्सरसाइज. तो इन एक्सरसाइज की मदद से, इन अभ्यास की मदद से आपको ये प्रीपोजिशंस और भी क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है.
एक्सरसाइज में बच्चों यहाँ पर आपके लिए है फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी किसकी हेल्प से, कुछ इमेजेस दिए हुए हैं जैसे कि आपने भी देख रहा होगा अभी, है ना। क्या क्या इमेजेस हैं? पहली इमेज समोसे की है, दूसरी जलेबी की है और तीसरी बिस्किट्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन इमेजेस को प्रीपोजिशन की मदद से, है ना, हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होने वाला है। जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं बच्चों कि समोसा है, उसके बाद जलेबी है, उसके बाद बिस्किट है, तो यहाँ पर हम इन तीन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, बिफोर, बिटवीन एंड बिहाइंड। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है, हमने सेंटेंसेस की मदद से, इमेजेस की मदद से आपको मैंने ये समझाया कि बिफोर का मतलब के पहले, बिटवीन का मतलब बीच में और बिहाइंड का मतलब होता है के बाद। यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको आंसर बना के दिखाया इस स्लाइड में, वैसे तो आप पहले सोच ही सके हैं, उसको बनाने की कोशिश आपने पहले स्लाइड में कर ली होगी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको ये सारे आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। द समोसा इज़ बिफोर द जलेबी, उसके बाद सेकंड वाला है हमारे पास द जलेबी इज़ बिटवीन द समोसा एंड द बिस्किट्स, और थर्ड वन इज़ द समोसा इज़ बिफोर द जलेबी, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं एक्सरसाइज वर्क और भी है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो इमेजेस है क्या क्या है, पिग, डक और फ्रॉग, ये तीन इमेजेस हैं हमारे पास, है ना। तो इन तीन इमेजेस को आपको इन्हीं प्रीपोजिशन के माध्यम से इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, आपको उन डॉटेड लाइन में, उन खाली स्थानों में उस एनिमल का वहाँ पर हमको नाम लिखना है। जैसे कि पहला है, Which animal is behind the duck? कौन सा जानवर डक के पीछे है? तो आप देख के भी बता सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ये तो बहुत ही आसान है ना। कौन सा जानवर डक के पीछे है? The dash is behind the duck. डैश की जगह पे क्या आएगा, खाली स्थान में क्या आएगा, वहाँ पर आएगा pig. बहुत बढ़िया। दूसरा है, Which animal is before the duck? डक के पहले कौन सा एनिमल है? जैसे कि इमेज में दिख रहा है, डक के पहले कौन सा एनिमल है? फ्रॉग है। बहुत बढ़िया, है ना। तो वहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, द फ्रॉग इज बिफोर द डक। और तीसरा, विच एनिमल इज बिटवीन द पिग एंड द फ्रॉग, कि पिग और फ्रॉग के बीच वाला एनिमल कौन सा है? तो जैसे कि इमेजेस से क्लियर ही है कि वो कौन सा एनिमल है, वो है डक। द डक इज बिटवीन द पिग एंड द फ्रॉग। तो ये सारे एक्सरसाइज करके आपको ये तीनों प्रीपोजिशन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आपका होमवर्क है, तो ये होमवर्क भी मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसको अपनी कॉपी में करना है बच्चों, और इन प्रीपोजिशन को बार बार आपको अभ्यास करना है और एक्सरसाइजेस आपको करने हैं ताकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो देखते हैं, चलिए होमवर्क में क्या है। ड्रॉ एंड राइट सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड बिफोर, बिटवीन एंड बिहाइंड बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स इन योर इंग्लिश नोटबुक, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको, आपको उन पिक्चर्स को देखना है, और ये जो तीन प्रीपोजिशन आज हमने पढ़े, बिफोर, बिटवीन एंड बिहाइंड, इनकी मदद से आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो पहले की स्लाइड में आपने देख ही लिया होगा, आपने समझ ही लिया होगा कि किस प्रकार से सेंटेंस बन रहे थे। आपको सेम इमेजेस को देखना है, आपको उनकी पोजीशन को पहचानना है, और आपको सेंटेंस बनाना है किनकी मदद से, बिफोर, बिटवीन और बिहाइंड की मदद से। मतलब कि कौन सा आगे है, कौन सा बीच में है, कौन सा फ्रूट किसके पीछे है, है ना, ये आप देखेंगे और ये सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेसन पसंद आया होगा, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, फिर मैं आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊँगी। तब तक आप लोग होमवर्क कीजिए और अपनी बुक रीडिंग भी जारी रखिए। थैंक यू सो मच।